ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि हाउ टू मेक स्मॉल पीक्स विजिबल इन हाई स्कोर. ओके, तो सेम एज हमने हाई स्कोर ओपन किया है, ठीक है, और फाइल पे जा रहे हैं. जिस फाइल को हमने विजिबल करना है, जिस फाइल के पीक्स को, उसको ओपन करेंगे. जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट सैंपल ले रही हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, हमारे पास ये वेव फॉर्म आ गई. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो इसमें कितनी पीक्स है, पीक्स वेरी बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल है इसमें, है ना. तो हम इसको टेस्ट बटन करेंगे पहले, सो दैट कि इसकी बेस लाइन आ जाए और जो पीक है वो हमें हाईलाइट हो जाए. ठीक है, तो अब क्या है, इसमें एक पीक जो है वो थोड़ी सी बड़ी आ रही है, जिसको इसने पिक कर लिया. ओके, और बाकी जो पीक्स है वो हमारे लिए विजिबल नहीं है. तो अगर हमें रीडिंग्स में चाहिए कि हमें ये पीक्स का भी पता लगना चाहिए, ये क्या है, कहाँ पे आ रही हैं, या ये अदर वाली स्मॉल पीक्स हमें पता लगनी चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखना आप. सपोज़ कि हमें देखना है कि हमारे, जैसे ये मैंने स्टार्ट किया है, 10:2 लिया है मैंने, एंगल 10:80 लिया होगा ये. ठीक है, तो अब मैंने देखना है कि जो मेरी पीक्स आई हैं वो 10 to 20 के बीच में कौन सी पीक्स आई हैं, या 30 तक हम लेते हैं, 30 पे देखते हैं ये जो पीक है ये कौन सी है. ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है अपने माउस पे और इसको लाइक दिस सेलेक्ट करो. कहाँ से लेनी है, कहाँ तक को जूम करना है आपने, वहाँ तक करो, फिर इसको छोड़ दो. अब आप देखोगे हमारे पास जो काउंटिंग है, जैसे 15 से क्लिक हुई है, 15 से लेके ये 30 यहाँ तक हमें चीज़ें दिखा रही हैं. ओके, अब ये जो पीक है जिसको हम हाईलाइट करके देखना चाहते थे कि ये क्या है. ओके, तो ऐसे करके आपने जूम करना है, और चीज़ों को, अगर जो स्मॉल पीक्स को विजिबल करनी है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो. ओके, सेकेंड चीज़ है, अगर आपको स्टिल नहीं पता लग रही है कि यहाँ पे पीक्स है कि नहीं है या कुछ है, तो आप इसको और जूम कर सकते हो, और जूम करके उसको देख सकते हो. ठीक है, एंड वापस सेम से हमें अपने प्रेजेंट जो प्रीवियस वेव फॉर्म थी उस पे जाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस पे लेफ्ट क्लिक करके, और इसको दो बार आपने क्लिक करना है, वो सेम आपके पास पहले वाली वेव फॉर्म आ जाएगी. तो जो स्मॉल पीक्स हैं उनको विजिबल करने के लिए एक हमारे पास फैम ये भी तरीका है. सेकेंड, आप इस वे से क्या कर सकते हो कि वेव फॉर्म को क्रॉप कर सकते हो. जैसे कई हमारे पास आते हैं बच्चे जिनके पास क्या होता है कि उन्होंने अपने सैंपल्स की रीडिंग ली होती है, जैसे 10 to 80 इसमें ली है. ठीक है, तो बट क्या होता है कि उनके बेस पेपर में जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने 20 to 80 ली है, या 20 to 50 के बीच में उनके सारे पीक्स आ गए. जैसे आप देख रहे हो कि हमारी पीक जो इसमें आई है वो यहाँ तक आ गई है, राउंड ऑफ आप 40 ले लो. ठीक है, बट स्टिल हमारी जो स्कैनिंग है वो आगे गई है 80 तक. तो ये रिक्वायर्ड नहीं है. अगर तो आपके बेस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीक नहीं है 80 तक, तो वो स्कैनिंग आपकी वेस्ट है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा. तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको अपने वेब फॉर्म के साथ मैच करके, अपने बेस पेपर के साथ मैच करके आप इसको क्रॉप कर सकते हो. जैसे सपोज मुझे 20 to 60 तक ही चाहिए, क्योंकि मेरी पीक इतने में ही लाइज कर रही है, तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको स्किप कर दूंगी. मैं सिंपल यहाँ से रखूँगी, 20 तक लेके जाऊँगी, 22 इसको हम कर देंगे 60, मुझे 60 तक चाहिए, करके इसको छोड़ देंगे. ठीक है, तो अब जो आप मेरे वेव फॉर्म की रीडिंग देखोगे वो कहाँ से आ रही है, 22 लेके 60 के बीच में आ रही है. तो और इसको आपने जब, जैसे इतनी हो गई और आपके पेपर में भी यही है, तो आपको यही वाली इमेज लगानी होगी रिसर्च पेपर में या अपने थीसिस फाइल में. सो हम इसको सेम एज जैसे पहले सेव करते थे, वैसे ही सेव एज पे जाएंगे और इसके फाइल की लोकेशन देख लेंगे जहाँ पे देनी है. एक्सटेंशन हमारी JPG होनी चाहिए, क्योंकि ये इमेज है. ठीक है, और सेम एज आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये चीज़ें आपके पास सेव हो जाएंगी वो एडिटिंग फाइल के साथ. ठीक है, तो ये सेम एज दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह वैसे ही ईजी है, इसमें क्रॉप करना भी और स्मॉल पीक्स को विजिबल करना भी. तो ये चीज़ें भी आप सेम एज इसमें कर सकते हो हाई स्कोर में, और उसको सेव कर सकते हो.
और इससे क्या होगा कि जो स्मॉल पीक्स होंगे वो भी इंडिकेशंस उसकी हाई हो जाएगी, वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो बस इसमें मतलब क्रॉप करने में और कैसे आप क्रॉप करोगे इसको और XRDML फाइल में स्मॉल पीक्स को कैसे विजिबल करोगे, वो हाई स्कोर में इसी तरह से होता है। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई कमेंट डाउट हो तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू वेरी मच। हम और दूसरी वीडियोस में दूसरी चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। ओके।